नमस्कार साथियों, आज हम विज्ञान की शिक्षा में कवाड़ से जुगाड़ के बारे में बात करेंगे। कवाड़ से जुगाड़ टॉपिक को समझने से पहले हमें विज्ञान की शिक्षा में आने वाली कुछ चुनौतियों को समझना आवश्यक है, जिनमें से सबसे प्रमुख है संसाधन की कमी। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे साइंस लैब नहीं होता है, जिनके कारण क्या होते हैं, टीचर क्लासरूम में कुछ ऐसे अमूर्त अवधारणाएं होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करके या कुछ ऐसे मॉडल बना करके बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि बच्चों में कुछ गलत अवधारणाएं बन जाती है। जैसे अगर देखा जाए कि बच्चे वजन के बारे में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में गलत अवधारणा बना लेते हैं, क्योंकि वो वजन को उठा करके तो 2 किलो 5 किलो उसको उठा करके तो महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और संसाधन की कमी के बावजूद होता क्या है कि बच्चे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्लासरूम में कुछ मॉडल के थ्रू या कोई TLM एक्टिविटीज के थ्रू नहीं देख पाते हैं। जब विज्ञान की शिक्षण में जब बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ वो एक गलत अवधारणा का निर्माण कर लेते हैं, तो इनके कारण क्या होता है कि उनका दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में वो समझ नहीं पाते, जिनके कारण विज्ञान शिक्षण और उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियों के बीच में एक बड़ा गैप आ जाता है। इस सेशन में हमारी बातचीत जो होगी वो इस चीज पे होगी कि किस तरह से हम अपने आसपास की सामग्री यानी कबाड़, जिसे जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जिनका उपयोग करके शिक्षक अपने क्लासरूम में दैनिक अवधारणाओं से या दैनिक जीवन की कुछ गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाओं को समझा पा रहे हैं, साथ ही साथ इससे बच्चों की अमूर्त अवधारणाएं को उसकी समझ जो होती है वो और ज़्यादा विकसित होती है। और सबसे जो इसका एक लाभ है वो ये है कि ये जो संसाधन होते हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, या तो वो फ्री में पाए जाते हैं या फिर बहुत कम सस्ते दामों पे वो मिल जाते हैं स्कूल के कक्षाओं में। हमारी प्राथमिक पाठचर्या का उद्देश्य जो है सिर्फ वैज्ञानिक समझ का प्रसरण करना ही नहीं है, बल्कि बच्चों में साइंटिफिक हैबिट का डेवलपमेंट करना भी है। और ऐसे जो दृष्टिकोण है जहाँ पे हम आसपास की चीज़ों का उपयोग करके बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं, यह उन स्कूलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पे संसाधन की कमी है और जहाँ पे शिक्षक जो होते हैं वो आसपास की चीज़ों का उपयोग करके बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं। इसे अगर उदाहरण से समझा जाए तो हम देखते हैं कि साइकिल के एक पुराने स्पोक से हम मैग्नेटिक नीडल बना सकते हैं, एक प्लास्टिक बोतल और कुछ गुब्बारे से हम लंग्स के डायफ्राम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने घर में मिलने वाली ऐसी चीज़ें जैसे चम्मच, घी या फिर बटर का उपयोग करके उष्मा के चालन की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि विज्ञान हमारे आसपास है, आसपास की चीज़ों में विज्ञान सम्मिलित है, लेकिन इन सभी लेकिन होता क्या है कि वो एक टेक्स्ट बुक तक ही विज्ञान की समझ जो होती है वो सीमित हो जाती है, लेकिन इन सभी गतिविधियों के माध्यम से हम विज्ञान की उन समझ को हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़ सकते हैं, जिससे बच्चों की विज्ञान की जो समझ होती है वो और ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे गतिविधियों के माध्यम से जहाँ पे हमने कुछ आसपास की चीज़ें जो या तो आसानी से उपलब्ध है या आप निशुल्क रूप से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे एक ऐसे मॉडल का निर्माण करते हैं जहां पे हम कुछ वैज्ञानिक अवधारणाओं या विज्ञान की कोई अवधारणाओं के बारे में बताते हैं और उन मॉडल का उपयोग करके बच्चे और भी मॉडल डिजाइन कर सकते हैं जिनसे वो और भी वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ बनाते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में या हमारे शिक्षक गण अक्सर बोलते हैं मोमबत्ती से विज्ञान या फिर गुब्बारे से विज्ञान। अगर हम गुब्बारे से विज्ञान के बारे में देखते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कुछ गुब्बारे और ड्रिल और एक प्लास्टिक बोतल के उपयोग से या फिर टेप और कैंची के उपयोग से बच्चे जो हैं वो एयर पंप मशीन का निर्माण कर रहे हैं। एयर पंप मशीन का उपयोग वो अपने या तो जन्मदिवस या फिर स्कूल के कोई प्रोग्राम में गुब्बारे फुलाने में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल के उपयोग से बच्चे वहाँ देखते हैं कि इन्हीं सब सामानों से, प्लास्टिक की बोतल और गुब्बारों से, वो और भी मॉडल तैयार कर सकते हैं जहाँ पे वो वायुमंडलीय दबाव के बारे में समझते हैं, साथ ही साथ वो वाटर का किस तरह से फ्लो होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण से उनके बारे में वो समझ सकते हैं। और हमारे घर में जो और भी चीज़ें हैं जैसे वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है या पाइप के थ्रू हम लोग जो मोटर चला करके पानी को ऊपर भेजते हैं, तो इन सभी चीज़ों के से वो कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये इन सभी सामान जो हमारे आसानी से मिल पा रहे हैं, तो इन सभी सामानों के उपयोग से अगर हम अपने क्लासरूम में विज्ञान की किसका शिक्षण करते हैं तो हम साइंटिफिक हैबिट के साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक थिंकिंग को भी बढ़ावा देते हैं बच्चों में। तो आज हमने देखा कि किस तरह से कबाड़ यानी जो सामान हमारे आसपास उपलब्ध है संसाधन, उनका उपयोग करके हम अमूर्त अवधारणाएं हमारे विज्ञान की टेक्स्ट बुक में जो अवेलेबल है उनको हम बच्चों को समझा रहे हैं, साथ ही साथ विज्ञान की समझ को दैनिक जीवन की गतिविधियों के साथ जोड़ रहे हैं। और अगर हम ऐसे एक्टिविटीज के माध्यम से अगर विज्ञान
का शिक्षण करते हैं तो बच्चों की भागीदारी भी बढ़ती है, उनकी क्यूरियोसिटी का भी डेवलपमेंट होता है, साथ साथ वो ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटीज को और ज्यादा क्लासरूम में लेके आते हैं जो उनके अनुभव से जुड़े होते हैं और जहां वो अपने विज्ञान क्लासरूम में पढ़े हुए विज्ञान की अवधारणाओं को उन अनुभव से जोड़ते हैं। तो ऐसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग साथ ही साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम अक्सर कबाड़ से जुगाड़ का उपयोग करते हैं जो या तो निःशुल्क पाए जाते हैं या कम दामों में हमारे आसपास उपलब्ध है। हमारे देश में यह दृष्टिकोण बहुत सालों से चला आ रहा है। 1972 ईस्वी में होशंगाबाद जो एक मध्य प्रदेश की छोटी डिस्ट्रिक्ट है वहां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कुछ वैज्ञानिक और ऑल इंडिया साइंस टीचर के कुछ विज्ञान के शिक्षक मिलकर के ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसे करिकुलम का डेवलपमेंट किए थे। इस डियर टेक्स्ट बुक 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए अवेलेबल है जहां पे आसपास की चीजों का उपयोग करके हमारे आसपास की चीजें ऐसी पाई जाती है जो कल्चर बेस्ड होती है उन सभी चीजों का यूज करके कहानियों का उपयोग करके बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से कबाड़ से जुगाड़ यानी कबाड़ से जुगाड़ में विज्ञान की शिक्षण को किस तरह से बच्चों को हम पढ़ाते हैं साथ साथ उनकी वैज्ञानिक अवधारणा की समझ को और बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।